अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, तलबा तलबात के लिए रिज़ल्ट के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। बाकायदा ऑफिशियली यहां पर अनाउंस कर दिया गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए तमाम तफसीलात। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके तमाम जो बोर्ड्स हैं सिंध के अंदर जिनकी बात करते हैं, 10th का रिज़ल्ट आपका आ चुका है, हैदराबाद और कराची का नहीं आया। और कराची का तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और कराची के स्टूडेंट्स जो है बड़े परेशान हैं। हम उनको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहें और आज ही वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि आपके रिज़ल्ट के बारे में अखबार के अंदर जो खबर आई थी कि आपका जो 29 अक्टूबर को जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से खबरें आई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कराची बोर्ड के हवाले से एक ऑफिशियली अपडेट लेकर आए हैं। आपके जो कराची बोर्ड है उसके हवाले से मैट्रिक का साइंस ग्रुप का जो रिज़ल्ट है उसके हवाले से ऑफिशियली यहाँ पर बोर्ड की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है और यहाँ पर हम आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सबूत है, यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आपको जो कुछ घंटे पहले आपको बताया था कि ज़राए के मुताबिक खबर आई थी कि 29 अक्टूबर को आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कराची जो मैट्रिक बोर्ड है उसका ऑफिशियल पेज है। आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर हमने इनको कहा कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैट्रिक साइंस ग्रुप का रिज़ल्ट कब आएगा? तो जवाब आप देखें, ये ऑफिशियल अकाउंट है कराची बोर्ड का। मैट्रिक साइंस रिज़ल्ट होपफुली विल बी अनाउंस ऑन 29 अक्टूबर, यानी कराची बोर्ड का जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक का, वहाँ से ये रिप्लाई दिया गया है हमें कि आपका जो कराची बोर्ड का साइंस का मैट्रिक का जो रिज़ल्ट है वो आपका यहाँ पर 29 अक्टूबर को आएगा, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी हमारी ये खबर 99% जो है वो आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप ख़ुद से बताते हैं, कोई ज़राए आपके नहीं है, तो आपकी मालूमात के लिए हम आपको बता दें कि आप ज़रा हमारे जो ये YouTube चैनल है उसकी डेट चेक करें कि हमने ये चैनल कब बनाया है। तो उसके मुताबिक आप एक्सपीरियंस भी एक बंदे का होता है, उसके मुताबिक वो डील करता है और तमाम पूरे पाकिस्तान की एजुकेशनल न्यूज़ कवर करना उससे एक्सपीरियंस और ज़राए भी होते हैं, खबरें होती हैं जो कि उसकी बेस पे आपको बताया जा रहा होता है। तो इस तरह से ना किया करें कि ये झूठ है, ये है, वो है। तो हम अपने ज़राए से बताते हैं, कभी वो ज़राए सच भी हो जाते हैं, कभी वो गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हम आपको लास्ट में कहते हैं कि ये ज़राए के मुताबिक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप वीडियोज़ फॉलो करें तो हम जो गलत भी खबरें आई हैं उसके मुताबिक ही आपको बता चुके हैं कि ये बात गलत थी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कराची बोर्ड का ऑफिशियल अकाउंट है और यहाँ पर कहा गया है कि आपका ये रिज़ल्ट मैट्रिक का जो 10th क्लास का साइंस का है वो आपका 29 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा होपफुली। तो ये 99% कन्फर्म हो चुका है कि आपका ये रिज़ल्ट अक्टूबर 29 को आपका ये आएगा, लेकिन अभी भी हम आपको कह दें कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये 99% एक परसेंट जो चांस है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी करेंगे तो उसके बाद 101% कन्फर्म हो जाएगा। तो ये कराची बोर्ड के मुताबिक 99% तो आपका 29 अक्टूबर को रिज़ल्ट है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करेंगे। तो हम दुआ करते हैं कि जो हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे और उससे आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा, आपका कुछ टेंशन दूर हुआ होगा। लेकिन अभी भी आपका रिज़ल्ट जो है वो 29 अक्टूबर को मज़ीद अपडेट्स आती हैं तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम दुआ करते हैं कि कराची के जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, अच्छे नंबर आएँ, अच्छे ग्रेड्स आएँ। आमीन, आप भी कमेंट के अंदर आमीन कह दें, क्या पता किसी का आमीन कबूल हो जाए और सबका भला हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर इसको ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।